अयोध्या कांग्रेस पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश महासचिव मनोज गौतम ने जिला प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अपराधियों जैसा आचरण किया गया। प्रदेश महासचिव मनोज गौतम ने कहा 2022 का पुराना मामला था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभीक्षा में हो गई थी। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां बीच बचाव करने के लिए मृतक के आवास पर पहुंचे थे, तभी वहां उपस्थित पुलिस बल के अपमानजनक रवैया के विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जिला प्रशासन ने उस प्रदर्शन का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ साथ जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी वादी बना दिया और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। प्रदेश महासचिव मनोज गौतम ने कहा कि सार्वजनिक रूप से यह बात सही थी कि अखिलेश यादव वहां सिर्फ भी बचाव करने पहुंचे थे, इसके बावजूद उनका नाम विवेचना में नहीं निकाला गया और विद्वेषपूर्ण ढंग से जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। प्रदेश का उद्देश्य यह था कि हमारे जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को फर्जी मुकदमे फंसाकर जेल डालने के लिए मजबूर किया गया, तो इस तरीके के फर्जी मुकदमे डालकर हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के, तो इसका मैं विरोध कर रहा हूँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। क्या वजह कैसी वजह यह था कि 2022 में मई माह में विकासखंड बीकापुर नंदौली न्याय पंचायत के अध्यक्ष अधीश राव के रिश्तेदार को गुंधौर कोतवाली बीकापुर में निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए दोषियों की गिरफ्तारी के लिए जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में हजारों ग्रामीणों ने सड़क पर आकर प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया। जिला प्रशासन के विरुद्ध उठाई गई उस आवाज के विरुद्ध बदलने की कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को सैकड़ों साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं जैसे 307, 332, 427 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जिला प्रशासन तभी से जिला अध्यक्ष को अपने परेशान कर रहा था। जेल किया कोर्ट में उन्होंने आज समर्पण किया जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं जी, तो ऐसे में अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि इस तरीके के फर्जी मुकदमे को तुरंत वापस ले, यदि वापस नहीं लेती है तो प्रदेश अध्यक्ष से हम लोग बैठकर एक रणनीति तय करेंगे और प्रदेश के विभिन्न ऐसे मामलों में विभिन्न जगहों पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्या नाम है? मनोज कुमार गौतम, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।